हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। दोस्तों, पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को शिशुओं और बच्चों की बीमारियों के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है। छोटी उम्र में बच्चों को ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है। इन्हीं में से एक है सोते वक्त बच्चों की नाक का बंद हो जाना। दोस्तों, छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम की शिकायत ज्यादा होती है जिसके लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन फायदा ना के बराबर ही होता है। बाजार में ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सर्दी जुकाम से छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन ये हमें फायदा कुछ ही टाइम के लिए दिलाते हैं। आप घरेलू उपाय की मदद से अपने बच्चे का सर्दी जुकाम दूर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेकर 12 महीने की उम्र का है और सर्दी से परेशान है, या फिर छाती में कफ और छाती में दर्द या उनकी पसली चल रही है, तो आप ये घरेलू इलाज अपना सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से उपाय आपके बच्चे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। पर एक, बच्चों की चल रही है पसलियां, तो करें ये घरेलू उपाय। दोस्तों, 6 महीने से लेकर 12 महीने की उम्र का बच्चा अगर सर्दी से परेशान है या छाती में कफ, छाती में दर्द या पसली चलने से परेशान है, तो आप उसे दवा के तौर पर अजवाइन का काढ़ा दे सकते हैं, जिसको बनाने के लिए आपको इन सामग्रियों की जरूरत होगी। नंबर एक, आधा कप पानी में 10-12 दाने अजवाइन के डालकर उबाल लें और आधा रहने पर कपड़े में छान लें। ये अजवाइन का काढ़ा बच्चे को थोड़ा गुनगुना करके ही दीजिए। ऐसा आपको दिन में 2 बार या फिर सिर्फ रात में 1 बार सोने से पहले पिलाना है। इससे बच्चे को पसली चलने और सर्दी जुकाम से राहत मिलेगी। नंबर दो, दोस्तों, अगर आपके बच्चे की पसलियां चल रही हैं या उन्हें सर्दी जुकाम की समस्या है, तो आप उन्हें तुलसी की पत्तियों का काढ़ा पिला सकते हैं। आपको तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए आपको 2 कप दूध लेना है और साथ ही कुछ तुलसियों की पत्तियां लेनी है। 3-4 तुलसी की पत्तियां डालकर और 2 लौंग डालकर अच्छे से उबाल लें और इसे हल्का गुनगुना होने पर बच्चे को पिला दें। ऐसा करने से आपके बच्चे की चल रही पसलियों में आराम आ जाएगा और साथ ही सर्दी जुकाम की समस्या से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।